हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल भारद्वाज बगरू आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको नए विषयों की वीडियो भी मिल सके। आज अपन पढ़ेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 आज अपन पढ़ेंगे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 क्या है। तो आप देखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 क्या है। ये देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है ना, 1961 दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। अब अपन देखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्या है। दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक है। दहेज प्रथा क्या क्या रहेगा, दहेज क्या है। सबसे पहले तो अपन ये पढ़ेंगे दहेज क्या है। दहेज उसे बताया गया फ्रेंड्स जो किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को कोई मूल्यवान वस्तु विवाह के उपरांत दी जाती है। कोई ऐसी वस्तु जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर मूल्यवान हो या उस विवाह के समय में उसकी कोई मांग की जा सके। जैसे किसी के द्वारा किसी गाड़ी की मांग की या कुछ, जैसे अपन ने ये देखा है, अपन ने एक बनाई है इमेज, इस इमेज में देख रहे हैं एक दूल्हा है किस प्रकार से दहेज लेके जा रहा है। ये है, ये देखिए दहेज प्रथा किस प्रकार से कुरीति है दहेज प्रथा। तो आज अपन इसी को पूरा संक्षिप्त में पढ़ेंगे। दहेज प्रथा क्या है, दहेज प्रथा के रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या दंड है, क्या क्या दंड बताए गए हैं और कब इसे लागू किया गया है, उसके अंदर क्या क्या ऐसे नियम और ऐसे कायदे हैं, ऐसे कानून हैं कि उससे अपन कहीं भी कोई ऐसी घटना हो रही है कोई दहेज को लेके तो उसे अपन कैसे रोक सके। तो अपन इसको विस्तार से पढ़ते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसका जो पूरा नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। इसके लागू कब हुआ, सब ये लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को इसको लागू किया गया। और इसके बाद प्रतिस्थापित, इसको प्रतिस्थापित मतलब प्रतिस्थापित का कहना है दोबारा इसमें कुछ अमिटमेंट किए गए, कुछ चीजें जोड़ी गई। और वो चीजें कब की गई, 2/10/1985 को और 19/11/1986 को, दोनों को इसमें जोड़ा गया। और जोड़ने के बाद इस एक्ट को संक्षिप्त रूप में तैयार किया गया। अब अपन इस एक्ट को संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे। दोस्तों मैं बता दूं, ये एक्ट जो है ये सभी के लिए काम के योग्य है। कोई भी हो उसको इस एक्ट को देखना चाहिए, इस एक्ट को एक बार पढ़ना चाहिए और पढ़ने से आपको कई चीजें समझ में आएगी कि सामाजिक कुरीतियां क्या हैं, उनको कैसे अपन दूर कर सकते हैं। तो अपन देखेंगे अब संक्षिप्त में दहेज प्रतिषेध अधिनियम क्या है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसको लागू कब किया गया है, इसको फ्रेंड इसको लागू किया गया है 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया है और प्रतिस्थापित किया गया है इसको 2/10/1985 और 19/11/1986 को इसको प्रतिस्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अब इसकी धारा एक कह रही है संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम अपन ने पढ़ा था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और इसका प्रारंभ 1 जुलाई 1961 से इसका प्रारंभ हुआ। और इसका विस्तार कहां तक है, तो विस्तार इसका सेम संपूर्ण भारतवर्ष में इसका विस्तार है। जब ये एक्ट आया था कुछ अपवाद था, उस अपवाद को अब खत्म कर दिया गया, अब संपूर्ण भारतवर्ष में इस एक्ट को लागू कर दिया गया है। तो अपन देखेंगे, ये देखिए दहेज इस अधिनियम का नाम संक्षिप्त नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है ना, और इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। यह है दहेज प्रतिषेध अधिनियम। अब धारा दो कह रही है परिभाषा। परिभाषा काय की परिभाषा, परिभाषा है दहेज की परिभाषा। दहेज इसमें सबसे स्पेसिफिक जो बताया है दहेज, दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ेंगे तो दहेज की परिभाषा ही है। तो दहेज की परिभाषा किसे बताया, दहेज की परिभाषा किसी भी एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को कोई मूल्यवान वस्तु या कोई ऐसा दहेज, कोई कीमती सामान दिया जाता है या लिया जाता है या किसी पक्ष के द्वारा किसी अन्य पक्ष को ये करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उसे इंसिस्ट या उसे कंपेल, उसे जबरदस्ती उसे कहा जाता है या उसे कहा बोला जाता है तो उसे दहेज की श्रेणी में रखा गया है, ये विवाह के उपरांत। तो अपन इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा देखिए आप क्या है, परिभाषा इस अधिनियम में दहेज, वेरी इंपॉर्टेंट, दहेज
धीज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, मैंने क्या बताया था, कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेरित है ना, जो विवाह के समय या उससे पूर्व से पूर्व या पश्चात, उससे पूर्व या पश्चात, या तो विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद में अगर किसी के द्वारा कोई दहेज की मांग की जाती है, कोई मूल्यवान वस्तु या संपत्ति की मांग की जाती है, तो उसे दहेज की श्रेणी में रखा गया है। देखिए, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्तियों द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या उसके किसी अन्य व्यक्ति को कथित पक्षकारों के विवाह के संबंध में विवाह के समय या उससे पूर्व या पश्चात किसी भी समय, पूर्व या पश्चात या तो पहले या बाद में किसी भी समय, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी गई किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम सव्य विधि शरीयत में लागू होती है। मान लीजिए कोई मुस्लिम विधि है, उसमें भी अगर इस तरह से अगर कोई मेहर की राशि, उन्हें मेहर की राशि कह सकते हैं, वो मेहर की राशि वधु पक्ष को देते हैं, यहाँ पे वर पक्ष द्वारा ली जाती है, वहां वधु पक्ष को दी जाती है मेहर की राशि, तो शरीयत चाहे किसी भी प्रकार से अगर उन्हें दहेज का दिया गया है, तो इसकी इस जो ये एक्ट है, इस एक्ट में अपराध है। अब इसको अपन पढ़ेंगे धारा 3 स्पेसिफिक कह रही है दहेज लेना व देना दोनों दंडनीय अपराध हैं। क्या दोस्तों? दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही दंडनीय अपराध हैं। अब दोनों दंडनीय अपराध कैसे हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा विवाह के समय कोई दहेज की मांग की जाती है तो वह दंडनीय अपराध है, या किसी व्यक्ति द्वारा विवाह के समय कोई दहेज दिया जाता है तो वो भी दंडनीय अपराध है। अब आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यार अपन ने तो देखा था सबकी शादियां होती है, कई लोगों को कूलर फ्रिज और ये सारी चीजें देते हैं दहेज में, जिसको कहते हैं दहेज में कि वो देते हैं, और ऐसा अपन को तो सभी दहेज ही कहते हैं, वो सिर्फ अपना है, अपन कहते हैं दहेज, जबकि वो क्या है, उपहार है, स्त्री धन कहा जाएगा। स्त्री धन और उपहार ये अपराध की श्रेणी में नहीं आते। एक पिता अपनी पुत्री को स्त्री धन या उपहार देते हैं, कोई भी शादी में व्यक्ति आता है वो उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट और स्त्री धन किसी भी प्रकार से अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अगर किसी व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग की जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में है, और दहेज देना व लेना दोनों के लिए क्या शास्ति है, दोनों के लिए शास्ति मतलब दंड, दोनों के लिए क्या है, कम से कम 5 वर्ष की सजा और 15,000 जुर्माना, ये दोनों है। इसके अलावा 15,000 के अलावा अगर कोई दहेज की रकम ज्यादा है तो दहेज की रकम जितनी है उतना जुर्माना माना जाएगा। तो अपन पढ़ेंगे धारा 3, देखिए धारा 3, दहेज नहीं देने या दहेज लेने के लिए शास्ति, शास्ति शास्ति मतलब दंड। फ्रेंड्स, शास्ति मतलब क्या है? शास्ति मतलब दंड। क्या दंड है? है ना, शास्ति दंड है, शास्ति मतलब दंड है। तो अपन देखेंगे यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ से पश्चात दहेज देगा या दहेज लेगा अथवा दहेज देना या दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करेगा, दुष्प्रेरित करेगा, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई, जैसा कह सकते हैं शादी की, जो शादी संबंध होते हैं वो किसी ना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराया जाता है, और उस अन्य व्यक्ति द्वारा ये कहा जाए कि नहीं साहब ये लड़का तो इंजीनियर है या ये लड़का तो कृष्णा एकेडमी में पढ़ा रहा है, तो इसके लिए तो आपको कम से कम भी 10 लाख रुपए की इसको दहेज देना पड़ेगा क्योंकि इसके इतने रिश्ते, तो वो उन्हें दुष्प्रेरित कर रहा है, वह उन्हें बता रहा है। तो इस तरह से कोई दुष्प्रेरित करना, कोई किसी को कहना, किसी को कह के उसको इतना इंसिस्ट करना, इतना कंपेल करना, उसे बताना कि नहीं आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तो अगर कोई ऐसा कोई दुष्प्रेरित करता है तो वो भी इस एक्ट में धारा 3 में सजा के योग्य है, वो भी अपराधी माना गया है इसमें, है ना, दुष्प्रेरित करेगा तो इसके लिए अपन दंड पढ़ेंगे। दुष्प्रेरित करेगा तो दंड क्या होगा दोस्तों? इसके लिए वह कारावास, ऐसी अवधि का कारावास से 5 वर्ष, 5 ईयर, है ना, 5 वर्ष का होगा कारावास, मतलब उसको जेल जो होगी 5 साल की जेल होगी, और अर्थदंड जुर्माना
जो 15,000 रुपए, कम से कम 15,000 रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसे मैंने बताया था ऐसे ये दहेज हेज नहीं है दहेज दहेज के मूल्य की राशि जो भी अधिक हो दंडित करने योग्य होगा। दंडित है ना, अपराधी, उसे दंड दिया जाएगा, दंडित करने योग्य होगा। उपधारा एक में की कोई बात, उपधारा एक है ना, इसकी कोई बात है, अभी अपन पढ़ेंगे उपधारा एक की कोई बात, उपधारा एक की कोई बात, वधु को विवाह के समय दिए गए उपहारों को इस संबंध में बिना किसी प्रकार की मांग किए, परंतु शर्त यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार रखी गई सूची ऐसे उपहारों की प्रविष्टि कर दी गई है। अब क्या बताया गया है कि कोई भी जो भी कोई वधु को दिया गया सामान है उसकी एक सूची तैयार कर दी जाएगी, उस सूची के अलावा जो कोई उपहार दिया जाएगा, स्त्री धन दिया जाएगा, उसके अलावा कोई ऐसी चीज की मांग की जाती है, कोई ऐसा मूल्यवान संपत्ति या वस्तु की मांग की जाती है, जैसे कई बार अपन ने देखा है, कई बार अखबार में भी अपन न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि बारात बेरंग लोटी, क्या कारण कि साहब वधू ने मना कर दिया कि मैं ऐसे दहेज लोभी के साथ विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि वहां पे जैसे ही बारात गई, बारात जाते के साथ ही दूल्हा या दूल्हे के पिताजी ने स्पष्ट कह दिया हम तभी फेरा करेंगे जब हमें इतनी रकम या ये गाड़ी दो तो हमारा बच्चा फेरे में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। तब वहां पे क्या होता था कि कोई गर्ल्स, मान लो कोई गर्ल्स, उसने देखा और उसने कहा ये तो दहेज मांग रहे, तो वो वहां से मुकर जाती है, मुझे ऐसी शादी करने की जरूरत नहीं, जो लोभी अभी ही दहेज मांग रहे वो आगे मेरे साथ लाइफ में क्या करेंगे। तो ऐसी जो कंडीशन है उसमें दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो स्पेसिफिक कह रहा है कि ऐसा कोई भी है तो उसके लिए एक वस्तु जो दिया जाएगा, जो स्त्री धन दिया जाएगा, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी और लिस्ट बना के दी जाएगी। ये कह रहा है धारा 2, धारा 3, और उसके बाद वर को विवाह के समय दिए गए उपहारों को, है ना, वर को विवाह के समय दिए गए उपहारों के संबंध में बिना किसी प्रकार की मांग किए, कोई किसी की मांग नहीं कर रहा। मैंने क्या कहा था, एक पिता जो होता है वो अपने पुत्री के विवाह पे अपनी हैसियत से ज्यादा उसे देता है, वो बिना किसी मांग किए देता है, वो उसको ये नहीं पता कि उन्होंने, उनके पास ये नहीं है, वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से वो अपनी बेटी को देता है, है ना, तो वो बिना किसी मांग किए हुए जो दे रहा है, परंतु शर्त यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार रखी गई सूची में ऐसे उपहारों की प्रविष्टि कर दी गई है। अगर कोई उपहार भी दिया जाता है तो वो उपहार की भी प्रविष्टि करनी पड़ेगी, उपहार भी बताना पड़ेगा कि ये हमें दिया गया है, ये लिस्ट दी गई है, ये उपहार, ये स्त्रीधन दिया गया है, ऐसा कार्य है, ठीक है। तो अब अपन जो है ये धारा जो 3 थी, धारा 3 अपन ने पढ़ी, धारा 4 कह रही है दहेज की मांग करने के लिए शास्ति। अब तक तो अपन ने देखा था दहेज को लेना या देना, कोई दहेज देता है कोई दहेज लेता है तो उसके लिए, अब क्या है स्पेसिफिक दहेज की मांग करना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम गए वहां जाके हमने स्पष्ट मना कर दिया कि हम तो शादी नहीं करेंगे, अगर हमें इतना दहेज नहीं दिया गया तो हमारे को तो इतना दहेज की जरूरत ही है, तो उसके लिए धारा 4 कह रही है दहेज की मांग करने की शास्ति। उसके लिए क्या है, उसके लिए सजा बहुत बड़ी सजा है, उसके लिए कम से कम 6 माह और अधिक से अधिक 10 वर्ष की सजा, 10,000 रुपए तक का जुर्माना, ये कह रही है धारा 4। तो धारा 4 अपन देखेंगे, ये देखिए धारा चार क्या कह रही है, दहेज की मांग करने पर शास्ति, वधु या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार, है ना, कोई भी अन्य रिश्तेदार या संरक्षक, यदि कोई व्यक्ति अपना हित रखता है और वह कोई दहेज की मांग, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी दहेज की मांग करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी 10 वर्ष तक का हो सकती है और जुर्माना 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा, अपराधी बना के उनको दंड दिया जाएगा। कितना दंड दिया जाएगा, कम से कम 6 माह, अधिक से अधिक 10 वर्ष और 10,000 का जुर्माना अगर कोई किसी से मांग करता है दहेज की। तो फ्रेंड्स, मेरे आपसे सभी से अनुरोध है और आशा है आप कभी भी ये अपराध नहीं करेंगे। जिसकी शादी नहीं हुई है वो अगर शादी करता है तो एक सामाजिक तौर पे एक मिसाल कायम करें, मेरी आप सभी से निवेदन है कि सभी मिसाल कायम करें। अब अपन पढ़ेंगे धारा 5। धारा 5 क्या कह रही, धारा 5 कह रही है दहेज देने या लेने
का करार का शून्य होना, कोई भी दहेज देता है या दहेज लेता है उसका करार शून्य होना। शून्य कैसे, अब अपन इसको समझेंगे। मान ले किसी की शादी हुई और शादी होने से पहले अपन तय करते हैं कि साहब हम आपको 10 लाख रुपए और ये सामान देंगे, है ना, ये सामान हम आपको देंगे, तो वो उपहार है ना, और उपहार या फिर स्त्री धन। और मान लीजिए कोई जो वधू है उसके पिताजी की कोई ऐसी कोई एकदम आघात या कोई भी ऐसी ट्रेजडी हो जाती है, वह वो चीज नहीं दे पाते हैं, अब उन्होंने उसको तय किया था कि हम आपको ये चीज दे देंगे, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद जो वर पक्ष के पिता हैं या वर पक्ष है वो कहते हैं आपने हमें एक कॉन्टेक्ट किया था, वो कॉन्टेक्ट करार किया था, तो स्पेसिफिक तौर पे जो वधु के पिताजी वो कहेंगे विवाह के समय दहेज को लेके कोई भी करार नहीं है, सब वॉइड है, सब शून्य है, कोई करार मान्य नहीं होगा, सारे शून्य होंगे करार। तो धारा 5 स्पेसिफिक कह रही है दहेज को लेने या देने के करार का शून्य होना, दहेज लेने या देने का करार दोनों शून्य होना। ये देखिए धारा 5 दहेज के देने या लेने के करार का शून्य होना, है ना। इससे पहले दोस्तों एक अपन पढ़ेंगे धारा 4A। धारा 4A कह रही है स्पेसिफिक तौर पे विज्ञापन पर प्रतिबंध, कोई भी किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी व्यक्ति का विज्ञापन दिया जाता है प्रलोभन के लिए, अगर कोई प्रलोभन के लिए कोई विज्ञापन देता है कि हमें ऐसे ऐसे व्यक्ति की तलाश है और जिसकी सैलरी हो, या हमें ये है हमारे को इतने दहेज की जरूरत, हमारे को इतनी जो कोई भी लड़की हो उसके कम से कम भी शादी में हमें 50 लाख रुपए लगाए उसकी हमें जरूरत है, और लड़का सुशील है और पढ़ा लिखा है शिक्षित है ये, तो ऐसा कोई भी प्रलोभन को लेके कोई विज्ञापन देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और वो कार्रवाई कब की जाएगी, क्या की जाएगी, वो कार्रवाई की जाएगी कम से कम 5 साल तक की सजा और 15,000 जुर्माना, ये कार्रवाई भी की जाएगी, है ना। ये धारा 4A कह रही है। धारा 5 अपन ने पढ़ी, धारा 5 क्या है, दहेज देने या लेने के लिए करार का शून्य होना। मैंने क्या कहा था, बिल्कुल कोई भी करार किया गया है दोनों करार शून्य होंगे, करार मान्य नहीं होंगे। धारा 6 कह रही है, जो धारा 6 है वह धारा 6 कह रही है दहेज में जो दिया गया है सामान वह पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदेमंद होगा। अब मानते हैं अपन, अब एक चीज अपन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए शादी हुई, शादी होने के बाद वधु पक्ष द्वारा और वर पक्ष द्वारा दोनों के द्वारा वधु को कोई ज्वेलरी दी गई, है ना, उसको कोई हार बनाया गया, उसकी कोई कुछ भी कनकती हार जो भी टॉप्स कानों के रखड़ी सब बनाया गया और सब उसे दिया गया, चाहे वधु पक्ष द्वारा दिया जाए चाहे वर पक्ष द्वारा दिया जाए, दोनों के द्वारा उसे उपहार के स्वरूप दिया गया, है ना, उपहार दिया गया कि ठीक है शादी में वधु पक्ष की तरफ से ये है और वर पक्ष की तरफ से ये ज्वेलरी। अब अगर मान लीजिए वह ज्वेलरी उसके पास रहती है और उस ज्वेलरी जब है वह ज्वेलरी उस तक वह जो भी ज्वेलरी का कार्य होगा वह पत्नी के पास ही होगा, जो वधु है उसके या वधु के वारिसों के लिए ही काम के लिए होगा, वहां ये नहीं कह सकते वर पक्ष के कि ये तो हमारे द्वारा दिया गया था, ये तो हमारा आपने गिफ्ट दे दिया है, और गिफ्ट देने के बाद गिफ्ट लेने की यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी चीज को नहीं रखा गया है, एक बार जो चीज दे दी वो दे दी, वो अब आपकी चीज नहीं है। अब इसमें एक चीज और बताई गई है धारा 6 में। धारा 6 कह रही है मान लीजिए किसी का विवाह बाल विवाह हो गया था और बाल विवाह के बाद उसका कह सकते हैं बाल विवाह होने के बाद एक गोना प्रथा होती थी, गोना प्रथा के बाद वधू आना जाना स्टार्ट करती थी, उससे पहले क्या है कोई भी स्त्री धन है उपहार वर पक्ष को दे दिए जाते थे। अब वर पक्ष को उपहार और स्त्री धन दे दिए, जैसे ही वधू आएगी या वधू वहां है वो 18 वर्ष की होने पर उसको उसका सारा स्त्रीधन और सारा उपहार उसको लौटा दिया जाएगा उसकी मांग करने पर। और यदि उसने मांग की है और मांग करने के 1 वर्ष के भीतर भीतर उसे वो सारा स्त्रीधन और उपहार देना ही अति आवश्यक है, अगर कोई उपहार और स्त्रीधन नहीं देता है तो उसके खिलाफ भी इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी धारा 6 के तहत। अब धारा 6 पढ़ेंगे अपन। धारा 6 कह रही है दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना, क्या होना, दहेज का पत्नी या उसके वारिस के फायदे के लिए होना।
ये देखिए अपन पढ़ेंगे, जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से बिन उसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है ना, वह दिया गया है या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, या तो दिया गया या किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, किसी व्यक्ति ने ले लिया, मान लीजिए वर के पिताजी ने ले लिया, चाचा ने ले लिया, उन्होंने वो प्राप्त कर लिया है ना। यदि वह दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया था या वह दहेज विवाह के समय या विवाह के पश्चात प्राप्त किया गया था, या तो विवाह से पहले या उस समय या उससे पूर्व भी अगर प्राप्त किया गया है ना, तो उसको एक वर्ष, ये देखिए किया गया था तो प्राप्ति की तारीख से 3 माह या तो 3 माह के भीतर उस विवाहित स्त्री को देना होगा, क्या उस विवाहित स्त्री को देना होगा, या फिर मैंने बताया था या उसकी मांग करने पर देना होगा, और मांग करने पर नहीं दिया तो जिस दिन उसने मांग की है उसके एक वर्ष के दरमियान तो उसे अति आवश्यक ही देना होगा। ये देखिए, यदि वह उस समय स्त्री अवयस्क थी तब वह प्राप्त किया गया था, कोई दहेज उस वक्त प्राप्त किया गया था, तो उसकी आयु के 18 वर्ष पूर्ण होने, प्राप्त होने के पश्चात एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष के अंदर अंदर उसको भीतर उस स्त्री को देना होगा, 110% उसे देना ही होगा। अगर नहीं देते हैं तो देख लीजिए सजा भी है। तो अगर ऐसा कोई है, किसी के पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामले में ऐसा कुछ चल रहा है, तो मेरी अम्बली रिक्वेस्ट है दहेज दे दे, नहीं देंगे तो देख लीजिए सजा भी क्या है। सजा देखते हैं अपन क्या है। यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 की क और ख अपन ने पढ़ा था, या तो उसको 3 माह का या उसे 1 वर्ष में दे करने में असफल रहता है, अगर उसको दहेज देने में असफल रहता है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1-6 माह से कम नहीं होगी और 2 वर्ष तक की हो सकेगी और 5,000 रुपए तक का जुर्माना। तो दोस्तों अगर देना है तो आज भी देना है और कल भी देना है, अगर सजा काट के दो उससे देने से क्या मतलब, मेरा पर्सनली है वैसे ही दे दें तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर किसी का दहेज किसी के पास है तो तुरंत प्रभाव से इस लॉकडाउन के अंदर अंदर ही उसके शिफ्ट कर दे तो ज़्यादा बेटर होगा, उसके रूम में उसका दहेज पहुँचा दे, है ना। तो ये है धारा। अब धारा सात कह रही है, अब यहाँ तक अपन ने पढ़ा कि दहेज लिया, अब तक अपन ने कार्रवाइयाँ पढ़ी कि साहब 5 साल और 10 साल का कारावास, 5,000-15,000 जुर्माना। अगर मान लीजिए सारी चीज इसमें केस दर्ज हो जाए तो केस की सुनवाई कौन करेगा, कौन सा न्यायालय इस केस की सुनवाई करेगा, तो इसका जो सुनवाई करेगा, इसके अपराध की जो सुनवाई का संज्ञान लेगा, जो प्रसंज्ञान लेगा, वो लेगा JM1 या MM, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, ये 2 ही जने लेंगे। ये देखिए धारा, अपराध का संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी है ना, सीआरपीसी के तहत 1973 सीआरपीसी के तहत किसी बात के समावेश होते हुए, अगर सीआरपीसी में कोई बात है उसके भी होते हुए, अगर कोई समावेश है उसमें रहते हुए भी, ये कह रहा है कि कोई भी एमएम या जेएम से निम्न कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की सुनवाई नहीं करेगा, कोई भी जेएम या एमएम, ये तो एमएम और ये जेएम है ना, जेएम एमएम मैंने बताया था, अब मैं आपको एक बार जेएम एमएम को भी बता देता हूं, जेएम और एमएम कौन है ना, जेएम जुडिशियली मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग है ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, और एमएम क्या है, महानगर मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग। तो दोस्तों अपने जो राजस्थान में है, अभी वर्तमान में 2 ही महानगर है, जोधपुर और जयपुर, वहां तो है मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट और अदर जो है वहां है जुडिशियली मजिस्ट्रेट JM1, ये दोनों ही उसका प्रसंज्ञान ले सकते हैं, उससे निम्न कोई भी उसका प्रसंज्ञान या उस पर संज्ञान नहीं ले सकता है ना। तो धारा 7 अपन ने पढ़ी, धारा 8 पढ़ेंगे अपन। धारा 8 कह रही है अपराधों का संज्ञेय जमानतीय अपराध जो होंगे, एक तो संज्ञेय अपराध होंगे, जमानतीय अपराध होंगे,
और राजीनामा अयोग्य अपराध होंगे। सबसे बड़ी बात है राजीनामा अयोग्य। अपन सोचते हैं जमानती है, संज्ञेय अपराध है, पर राजीनामा अयोग्य, बिल्कुल बिल्कुल राजीनामा अयोग्य अपराध है ना। तो अपन देखेंगे अपराधों का संज्ञेय, संज्ञेय जमानतीय है ना, और राजीनामा अयोग्य, ये राजीनामा अयोग्य है ना, इसका में राजीनामा नहीं होगा। अब क्या है संज्ञेय, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे संज्ञेय। संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं? संज्ञेय अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, उसको जरूरी नहीं है उसे वारंट लेना पड़े, उसे न्यायालय से वारंट लेना पड़े, वारंट के बिना भी वह गिरफ्तार कर सकती है। और जमानती है, इस अगर ऐसा कोई मामला है तो उसे जमानत दे दी जाएगी है ना। जमानत देने के बाद राजीनामा अयोग्य होना, इसमें किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं है। अगर कोई अपराध हुआ है तो उस अपराध की सजा ही मिलेगी, उस अपराध का पूरी ट्रायल चलेगी, ट्रायल चल के जो न्यायालय निर्णय करता है उस निर्णय पे को ही मान्य होगा, उसमें कोई राजीनामा नहीं होगा। ये कह रही है धारा 8। धारा 8 ए कह रही है कोई भी घटना, कोई भी घटना क्रिएट होती है ना, कोई घटना होती है, उस घटना के एक वर्ष के दरमियान ही अपने को शिकायत देनी होगी, एक वर्ष के दरमियान ही शिकायत को करनी होगी। ऐसा ना हो कि मान लीजिए दहेज की आज मांग हुई और अपन आज के 4 साल बाद जा रहे हैं, 4 साल बाद कह रहे हैं साहब मेरे से 3 साल पहले दहेज की मांग की थी, तो 3 साल क्या किया कि नहीं, 3 साल तो हमारा अच्छा राजी खुशी चल रहा था मामला, जब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा उस वक्त मांग करने के बाद, आज फिर वापस ये कह रहे हैं। तो भाई आपने जब उस वक्त की थी तो उसके एक वर्ष के दरमियान आपको शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। तो धारा 8 स्पेसिफिक कह रही है कि शिकायत एक वर्ष के दरमियान ही दर्ज होनी चाहिए। धारा 8 भी कह रही है दहेज प्रतिषेध अधिकारी, राज्य सरकार प्रत्येक ब्लॉक प्रत्येक जिले में एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करेगी। वह दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य क्या है? ऐसा कोई दहेज का कोई कहीं पे कोई दहेज ले रहा है या कोई ऐसा कोई कार्य हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, उस अपराध की रोकथाम करना, उस अपराध के लिए एविडेंस क्रिएट करना, एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करना, एक सलाहकार बोर्ड बनाना। सलाहकार बोर्ड में कौन रहेगा? सलाहकार बोर्ड में ऐसे कोई सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखना, ऐसी प्रतिष्ठित महिलाओं को रखना जो इस चीज को रोके, उसके लिए जागरूकताएं करना, रैलियां निकलवाना, कई कार्यशालाएं आयोजन करवाना, यह दहेज प्रतिषेध अधिकारी का कार्य है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी धारा 8 बी में ये सारा कार्य करेगा। धारा 9 क्या कह रही है? धारा 9 कह रही है नियम बनाने की शक्ति। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है फ्रेंड्स? नियम बनाने की शक्ति धारा 9 में केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार जैसा चाहे वैसा नियम बना सकती है, वैसे नियम क्रिएट कर सकती है। और धारा 10 कह रही है नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास। राज्य सरकार के पास भी नियम बनाने की शक्ति है। अपन ने देखा था पहले भी कई एक्ट्स में पढ़ा था, अभी फिर समझा देता हूं। धारा जो 10 कह रही है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति, इसको कहां से बताया गया है, कैसे? इसको जो अपना संविधान है अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 सब क्लोज 3 स्पेसिफिक कह रहा है राज्य को उपबंध दिए गए महिलाओं और बच्चों से संबंधित कोई भी कार्य करने का उपबंध है, उनको सुदृढ़ करने के लिए उपबंध दे रखा है राज्य कर सकता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए धारा जो 10 कह रही है राज्य सरकार को भी नियम बनाने की शक्ति है। अब दोस्तों अपन 3 आईपीसी की मेन धाराएं पढ़ेंगे जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की लेके धारा है। 498A सेकेंड अपन पढ़ेंगे, 306 और जो थर्ड पढ़ेंगे 304B। 304B तीनों दहेज को लेके। 498A कह रही है क्रुएल्टी, कोई भी दहेज को लेके क्रुएल्टी करता है, कोई भी उसके साथ मारपीट करता है, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता है, तो उसे 498 के तहत दंडनीय माना गया है। 304B स्पेसिफिक कह रहा है दहेज मृत्यु, कोई किसी की दहेज के लेके मृत्यु कारित कर देता है, उसे जला देता है या उसकी मृत्यु कारित करता है, तो उसके लिए कम से कम 7 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास तक भी सजा हो सकती है। और 304B तो स्पेसिफिक अपन ने देखा भी कि दहेज मृत्यु, और 306 कह रही है आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, कोई किसी को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है, जैसे मान लीजिए कोई किसी को दहेज के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए उसे दुष्प्रेरित कर रहा है कि तू तो मरी जा, तू नहीं आती तो ही ठीक होता, हमारे घर में ही होता, या एनी हाउ किसी भी प्रकार से उसे तंग या परेशान करता है, तो वो 306B के अंदर 300
छह के अंदर अगर मृत्यु कारित हो जाती है, अगर वह आत्महत्या कर लेती तो 306 के तहत दंडनीय है और उसको उस दंड की सजा मिलेगी। अब अपन इसके आगे का पढ़ लेते हैं। अभी अपन ने समझा राजीनामा योग्य हो गया, घटना के एक वर्ष के अंदर शिकायत, एक वर्ष के अंदर शिकायत करोगे घटना के एक वर्ष के, वन ईयर के अंदर शिकायत करोगे, वन ईयर से ज्यादा समय नहीं ले सकते, है ना। इसके बाद ये देखिए, धारा 8 बी क्या कह रही है, 8 बी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, राज्य सरकार जितना आवश्यक समझे दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। मैंने अभी बताया था कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां, अब दहेज प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां क्या है, क्या क्या कार्य करेगा, यह देखना कि अधिनियम के प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये देखेगा कि हाँ जो अधिनियम बनाया उसका प्रावधान, जो उसके प्रावधान उनका पालन भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। सेकंड कह रहा है दहेज की मांग करने वाले या देने या लेने वाले का दुष्प्रेरण करने का निवारण करेगा। अगर ऐसा कोई मामला आता है कि साहब ये दहेज देने का या लेने के लिए दुष्प्रेरित कर रहा है, तो सबसे पहले उसका निवारण करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराएगा, है ना। ये इसकी शक्तियां हैं, ये देखिए शक्ति 2 दुष्प्रेरण, है ना। इस अधिनियम के अधीन अपराध कारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करेगा। मैंने कहा था उसके खिलाफ बयान या कोई ऐसा कुछ किया है या कुछ दिया है तो उसके लिए, मान लो कोई गाड़ी दिए तो उस जो जिस कंपनी से गाड़ी दी उस कंपनी के वहां जाएगा, वहां जाके उसके बिल एकत्रित करेगा कि हाँ किसने दिया पैसा और क्या दिया और किसके नाम ये गाड़ी है, पैसा किसके नाम, चेक किसके नाम आया था, किस कौन है फाइनेंसर या जो भी, वो एकत्रित करेगा, साक्ष्य एकत्रित करेगा, है ना, कोई भी इसका कार्य है। उसके बाद कह रहा है राज्य सरकार शासकीय राजपथ की सूचना जारी कर दहेज प्रतिषेध अधिकारी को पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, किसकी शक्तियां जारी करेगा, ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बन रहा क्या है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में राज्य सरकार किस अधिकारी को पुलिस की शक्तियां प्रदत्त करती है, तो दहेज प्रतिषेध अधिकारी को प्रदत्त करती है, उसको ये शक्तियां हैं, वह किसी के भी घर में कभी भी घुस सकता है, कोई उसको जो पुलिस की शक्तियां हैं सेम वही शक्तियां उसके पास है। अगर कोई अपराध हो रहा है उस अपराध को रोकथाम के लिए, कोई दहेज का अपराध है तो उसको रोकथाम के लिए जो पुलिस की शक्तियां हैं सेम वही शक्तियां इसको प्रदत्त की गई है दहेज प्रतिषेध अधिकारी को, है ना। अब धारा 4 के इसका 4 कह रहा है राज्य सरकार दहेज प्रतिषेध अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करने का अधिकार दे सकता है। मैंने कहा था एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करेगा, उसका भी अधिकार है, जिसमें 5 से अधिक सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता, कम से कम 2 महिलाएं, हमने बताया था 2 महिलाएं रहेगी कम से कम, है ना, और 5 कार्यकर्ताओं में से कम जो सारे सामाजिक रूप कल्याण, जो ऐसी आज भाई नॉर्मल किसी को लेने से तो उसमें मतलब नहीं है, ऐसे व्यक्ति को ही तो लेंगे जो सामाजिक तौर पे जुड़ा हुआ है, जिसको सामाजिक तौर पे नॉलेज हो, जिसको ये पता हो, तो जो कोई सामाजिक कल्याण के लिए कोई कार्य करता है उसको इसमें सलाहकार बोर्ड में लिया जाएगा। उसमें कम से कम 2 महिलाएं होना अति आवश्यक है, कम से कम 2 महिलाएं होगी, अधिक तो 4 भी महिलाएं हो सकती है, पर कम से कम 2 महिलाओं का तो होना जरूरी है। फिर अपन ने पढ़ा था नियम केंद्र सरकार के पास है, है ना, और ये राज्य सरकार के पास है, ये राज्य सरकार। तो फ्रेंड्स ये था अपना दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अब इसमें कुछ अभी 2009 में एक नया अमेंडमेंट किया है, 2009 में एक नया बिल आया है, वो बिल भी अपन देखेंगे। बिल क्या कह रहा है, 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं, कुछ परिवर्तन करने के लिए प्रस्तावित किए हैं। क्या परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं, जिसके अनुसार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये अपने को पढ़ना है स्पेसिफिक, अपन घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भी पढ़ेंगे, के लिए नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारी के दायित्व भी निभाने के लिए अधिकृत किया जाए। अब उसमें जो कोई अधिकारी बनाएंगे उन अधिकारी को ही इसमें बताया कि उन अधिकारियों को इसके अंदर भी जोड़ा जाए, जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी अपन ने कहा है, तो वहां जो सुरक्षा प्रदान अधिकारी उनको ये भी कर्तव्य दिया जाए कि वो दहेज को भी रोकथाम करे, वो दहेज को लेके भी, जैसे अपन ने देखा बाल विवाह अधिनियम जो था 2006 में, बाल विवाह अधिनियम के बाद आजकल आखातीज या कोई नए साल होते हैं उसमें बाल विवाह
ना के बराबर कोई अगर, वैसे तो बहुत बिल्कुल शून्य करनी हो गए बाल विवाह, क्योंकि कारण क्या, राज्य सरकार ने इतना कानून में प्रावधान और अपराध जो कहा है, उसके बाद इसको जो कुरीति थी इस कुरीति को धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया, कम क्या ना के बराबर ही हो गया, सेम वही है। तो जो महिला आयोग ने जो किया है, महिला आयोग ने बताया जो घरेलू हिंसा से रिलेटेड जो सुरक्षा अधिकारी थे उन्हें देश प्रतिषेध अधिकारी की भी नियुक्ति में उन्हें सेम ही माना जाए। फिर कहा है महिला जहां कहीं भी स्थायी व अस्थायी तौर पर रह रही है वहीं से देश की शिकायत दर्ज की अनुमति। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मान लीजिए मेरी विवाह अजमेर में हुआ और अजमेर में मेरा विवाह हुआ और मेरा पीहर जो था वो मेरा पीहर था मान लीजिए जयपुर, तो मेरे को ये अधिकार है जहां मैं निवास कर रही हूं, कोई भी महिला निवास कर रही है ना, जो भी कोई पीड़िता है, कोई महिला है वो वहां जहां निवास कर रही है उसे वहीं पे FIR कराने की शक्ति है। ऐसा नहीं है कि जैसे CRPC कहती है, IPC कहती है, जो क्राइम जहां हुआ है उस प्लेस पे ही FIR होना जरूरी है। पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसमें जो परिवर्तन करने के लिए कहा, उन्होंने ये कहा है कि जिस प्लेस पे महिला है उसी प्लेस पे FIR कराने की उसको शक्ति दी जाए। वैसे राज्य सरकार ने और अभी जैसे 0 FIR के लिए बता दिया है, 0 FIR कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति किसी भी थाने में FIR करा सकता है, कोई भी अगर कोई संज्ञेय अपराध होता है उसके खिलाफ, है ना, कहीं भी करवा सकता है। अब नोट अपन पढ़ेंगे दो चीज। अब तक अपन ने दहेज पढ़ा, मैंने कहा था स्त्री धन और उपहार दोनों अलग चीज है, तो स्त्री धन और उपहार क्या है ये दोनों भी अपन पढ़ लेते हैं। स्त्री धन और उपहार दोनों अलग चीज। स्त्री धन क्या है? शादी के वक्त जो उपहार जेवर को लड़की को दिए गए जाते हैं, मैंने क्या कहा था, वर पक्ष द्वारा या वधु पक्ष द्वारा, स्पेसिफिक पहले मैंने समझाया था, वह स्त्री धन कहलाते हैं। अगर कोई भी जेवर या कोई उपहार दिया जाता है सारे स्त्री धन हैं, है ना। इसके अलावा लड़के या लड़की को दोनों को कॉमन उपहार के सामान जैसे फर्नीचर टीवी आदि स्त्री धन ही आता है। अब मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसके फ्रेंड्स आए और फ्रेंड्स ने उसकी शादी में कोई भी बड़ा एक उपहार दे दिया, है ना, उसको गिफ्ट दे दिया। अब लड़का ये नहीं कह सकता वो तो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने तो मुझे दिया था, आपको नहीं दिया, गलत है, वो स्त्री धन है, जो भी दिया है सारा स्त्री धन है, जो कुछ है सब उस लड़की का है, सब स्त्री धन है, आपका कुछ नहीं है, आपका आपको जो कुछ भी दिया है सारा स्त्री धन है, चाहे वो फर्नीचर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, चाहे अन्य कोई उपहार हो, चाहे जेवर ही क्यों ना हो, सब स्त्री धन की श्रेणी में आता है। उपहार भी अपन पढ़ लेते हैं। लड़की की शादी में जो सामान अपने साथ लेकर आती है या उसके पति को या उसके पति के रिश्तेदार, उसके पति हैं ये, उसके उसके पति के रिश्तेदारों को दिया जाता है वह उपहार के दायरे में आता है। अगर कोई रिश्तेदार द्वारा भी दिया जाएगा या कोई पत्नी जो कुछ लेके आ रही है वह सभी उपहार की श्रेणी में आएगा। सभी ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो हमारा है या ये तो मेरे पिताजी ने दिया है या ये तो तेरा है, कुछ भी नहीं है, सारे उपहार है और सारा स्त्री धन है, आपका कुछ भी नहीं है, है ना। तो गर्ल्स और बॉयज इसको अच्छे से समझ लें कि जो कुछ भी है सारा स्त्री धन है, सारा उपहार है, आपका कुछ नहीं है। अब अपन आगे इसमें अपराध पढ़ेंगे। मैंने जो अभी आपको अपराध बताए थे 304B, 306, 498 में क्या क्या अपराध हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 निर्ममता तथा दहेज के लिए उत्पीड़न, 304B इससे होने वाली मृत्यु या 306 भारतीय दंड संहिता उत्पीड़न से तंग आकर महिलाओं द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाली घटनाओं को निपटने के लिए कानूनी प्रावधान। आईपीसी 304B दहेज मृत्यु, आईपीसी 498 ए क्रुएल्टी, क्रूरता, किसी भी महिला के साथ क्रूरता करना उसके, और 306
आत्महत्या। आत्महत्या तीनों को दंडनीय अपराध है, तीनों ही दंडनीय अपराध है। अगर तीनों में कोई भी कार्य किया जाता है तीनों दंडनीय अपराध है किसी महिला के साथ। अगर मान लो 304 बी में दहेज मृत्यु की जाती है तो इसकी सजा 7 वर्ष आजीवन भी हो सकता है। 306 इसमें भी बड़ी सजा दी गई है, 498 इसमें भी सजा दी गई है। तो फ्रेंड्स ये था अब फ्रेंड्स अपन ने अभी पढ़ा कंप्लीट एक्ट 498 और उसकी धाराएं पढ़ी 498A, 306, 304। ये है कोई भी दहेज लोभी देख लें आप दहेज लोभी कैसे हो सकते हैं। ये देखिए दहेज लोभियों को बताया है दहेज लोभी, दहेज की हकीकत और उसके नुकसान। अभी अपन ने ये सारे पढ़ा दहेज की क्या हकीकत है और दहेज लेने या देने के क्या नुकसान है। तो आप सभी को समझ में आएंगे दहेज लेना व देना कि क्या क्या नुकसान है। अब इसको अपन तुरंत प्रभाव से एक बार रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद अपन क्वेश्चन हल करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन अपन देखेंगे, कौन कौन से परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है। तो ये देखिए अपन ने अभी पढ़ा, अब अपन रिवीजन कर लेते हैं एक बार, आप सभी देख लें फिर रिवीजन कर लेते हैं अपन। धारा एक कह रही है संक्षिप्त नाम अपन ने पढ़ा था दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसका संक्षिप्त नाम है। विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में। परिभाषा दहेज की अपन ने पढ़ा था किसी भी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को संपत्ति या मूल्यवान कोई भी संपत्ति या मूल्यवान चीज उससे मांग की जाती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर दुष्प्रेरित किया जाता है या उसे ली जाती है तो वह सभी दहेज की श्रेणी में आएगा। किसी भी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष का दिया जाता है लिया जाता है, देना या लेना दोनों दहेज की अपराध की श्रेणी में। धारा 3 के लिए दहेज लेना व देना दोनों अपराध है, दोनों के लिए अपन ने अपराध में पढ़ा था कम से कम 5 वर्ष तक की सजा, 5 वर्ष तक सजा और 15,000 जुर्माना है ना। दहेज की मांग करना अगर कोई दहेज की मांग करता है उसकी भी सजा है, उसकी सजा क्या है 6 माह से 10 वर्ष तक और 10,000 जुर्माना। या फिर जो दहेज की रकम हो वह दहेज देना वे लेना दोनों शून्यकरण। अगर कोई दहेज या दहेज लेना वे देने का दोनों का कोई करार करता है, कोई कॉन्टैक्ट करते हैं तो दोनों वो कॉन्टैक्ट शून्य है, वो कॉन्टैक्ट वॉइड है, उस कॉन्टैक्ट को किसी भी तौर से मान्य नहीं, उस कॉन्टैक्ट को लेकर कहीं भी किसी भी कोर्ट या किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार से चैलेंज नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल शून्यकरणीय है, ऐसा कोई कॉन्टैक्ट हो ही नहीं सकता। और धारा 6 के जो कह रही है दहेज में पत्नी या वारिस के लिए फायदा, कोई भी दहेज देता है उसको पत्नी या वारिस के लिए फायदा। अपन ने पढ़ा था कोई भी दहेज देगा विवाह से पूर्व, विवाह के पश्चात या विवाह के समय कोई भी दहेज देगा उसके विवाह में वधु को, तो वधु को 3 माह के भीतर उसको वह दहेज लौटाना पड़ेगा या 18 वर्ष की आयु होने के 1 वर्ष के भीतर उसको ये देना पड़ेगा। अगर कोई नहीं देता है तो 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 5,000 तक का जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है धारा 6 कह रही है। धारा 7 कह रही है अपराध का संज्ञान कौन लेगा, JM और MM जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट वह इसका अपराध का संज्ञान लेंगे। फिर धारा 8 कह रही है अपराधों का संज्ञेय जमानती है और राजीनामा योग्य होना अपराध संज्ञेय होगा, जमानती होगा, राजीनामा योग्य होगा, राजीनामा नहीं होगा उस अपराध में जमानत हो सकती है और संज्ञेय अपराध उसको अपराध घटित करने पर, यह जरूरी नहीं है कि उसे वारंट की जरूरत हो, वो उसको तो भी कभी भी पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, उसे पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है कि उसको वारंट लेके आना पड़ेगा, वह उसे संज्ञेय मामला है संज्ञेय मामले में वैसे ही गिरफ्तार कर सकती है ना। फिर धारा 8A घटना के 1 वर्ष के दरमियान शिकायत करना, 1 वर्ष के अंदर शिकायत करना जरूरी है, ऐसा नहीं है 10 साल बाद अपन शिकायत करें कि हमारे साथ दहेज की मांग की गई थी, अरे 10 साल 9 साल क्या कर रहे थे, जब दहेज की मांग की गई थी उसी वक्त क्यों नहीं शिकायत करी। तो 1 वर्ष के दरमियान दहेज के लिए शिकायत करना अति आवश्यक है। उसके बाद अधिकारी की नियुक्ति,
कोई भी देश प्रतिषेध अधिकारी है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, और वह देश प्रतिषेध जो अधिकारी होगा वह एक सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति करेगा। उस सलाहकार बोर्ड में 5 सदस्य होंगे, 5 सामाजिक कल्याण के रिलेटेड सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। फिर है नियम की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, और फिर धारा 10 के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो ये था फ्रेंड्स अपना, मोस्टली अपन ने इसको ढंग से रिवीजन भी कर लिया है कि देश प्रतिषेध अधिनियम क्या है। अब अपन इसमें देखेंगे इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आप एक बार, हो सकता है अगर आपको कोई समय आपको आए तो पहले आप खुद ही, फिर मैं आंसर तो मैं बता दूंगा, पहले आप खुद देखें कि क्वेश्चन, और अपन ने भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम अच्छे से पढ़ा। और अभी दहेज प्रतिषेध, पहला क्वेश्चन कह रहा है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कौन से वर्ष लागू हुआ, कौन से वर्ष लागू हुआ, 1961, 1861, 1985, 1986, कब लागू हुआ, 1961 को लागू हुआ, और 1985 और 86 को प्रतिस्थापित किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, एक 1961। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है देश देना व लेने में कितनी शास्ति व दंड है। सबसे पहले तो आप ये सब बताएं कि धारा कौन सी है, धारा 3 है ना, धारा 3 है। अब इसमें क्या है, 4 जो दे रखे हैं आप एक बार पढ़ लें चारों को, जो चारों ऑप्शन है, 5 वर्ष सजा व 15,000 जुर्माना, ये जुर्माना है, जुर्माना और ये सजा कारावास। दहेज की राशि के अनुसार 5 वर्ष का कारावास व 15,000 वे दहेज की राशि के अनुसार, 7 वर्ष का कारावास 10,000 जुर्माना वे दहेज की राशि के अनुसार, 3 वर्ष का कारावास 10,000 जुर्माना दहेज की राशि के अनुसार, सिर्फ 10 वर्ष वे 1,00,000 का जुर्माना, बताएं कौन सा आंसर है। तो इसका आंसर होगा एक, 5 वर्ष का कारावास 15,000 का जुर्माना दहेज की राशि के अनुसार, ठीक है। दहेज की मांग करने पर दंड और शास्ति क्या है, धारा कौन सी है, धारा चार कह रही है दहेज की मांग करने पर शास्ति और दंड, तो धारा 4 में कितना बताया है, ऑप्शन एक कह रहा है 6 माह से 10 वर्ष, 6 माह से 10 वर्ष तक कारावास जुर्माना 10,000, फिर सेकंड कह रहा है 6 माह से आजीवन कारावास, फिर 6 माह से 10 वर्ष या जुर्माना, कौन सा है, ऑप्शन एक ठीक है, ऑप्शन एक सही है। 4 कह रहा है विज्ञापन देने पर क्या दंड अधिरोपित है, अपन ने देखा था विज्ञापन देने में क्या दंड अधिरोपित है, कोई अगर किसी का विज्ञापन देता है तो उसके लिए क्या दंड है। फ्रेंड्स देखा था अपन ने, कोई किसी का विज्ञापन कौन सी है, धारा 4A स्पेसिफिक कह रही है कोई अगर विज्ञापन देता है तो इसका क्या है, इसका कह रहा है 6 माह से, ऑप्शन तीन सही है, 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास जुर्माना 15,000 रुपए, यह है। इसके बाद घटना के कितने समय के बाद शिकायत की जा सकती है, कितने समय के बाद शिकायत की जा सकती है, 1 वर्ष, 2 माह, 90 दिन, 60 दिन, कितने वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष। सेकंड क्वेश्चन है दहेज के लिए महिलाओं के साथ क्रूरता करने पर कौन सी धारा व अधिनियम में मामला दर्ज होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक बार देखो और अपने सोचो कौन सी धारा में क्या होगा। ऑप्शन एक कह रहा है IPC भारतीय दंड संहिता 498A, ऑप्शन सेकंड कह रहा है CRPC 498A, थर्ड कह रहा है IPC 498 और फोर्थ कह रहा है CRPC 498, पता है कौन सा है, तो इसका ऑप्शन एक राइट है, IPC भारतीय दंड संहिता 498, CRPC में तो सिर्फ प्रक्रिया है दंड नहीं है, IPC में ही दंड है, अपन पढ़ेंगे उस वक्त। दहेज मृत्यु होने पर कौन सी धारा में केस दर्ज होगा, कौन सी धारा में दर्ज होगा, 304B अपन ने भी पढ़ा था, 304B IPC के तहत केस दर्ज होगा। दहेज उत्पीड़न से तंग महिला द्वारा आत्महत्या करने पर
केस दर्ज होगा, कौन सा केस दर्ज होगा, आईपीसी 306 के तहत केस दर्ज होगा, इसमें 304 बी तो दहेज मृत्यु है, 302 हत्या है और 498 ए क्रुएल्टी, किसी की क्रूरता करना किसी के साथ। तो फ्रेंड्स ये था दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अपन ने अच्छे से पढ़ा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, है ना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो फ्रेंड्स ये एक्ट आज कंप्लीट हो गया है और अपन जल्द ही नए एक्ट के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।